अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज सुमेरा, यू आर वॉचिंग कुकनोलॉजी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। मैं आज बनाऊँगी कोफ्ता ग्रेवी। आप इसे चिकन, मटन या बीफ किसी भी कीमे से बना सकते हैं। कीमा बेशक कोई भी यूज़ करें, रेसिपी सेम ही रहेगी। बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप पराठा, रोटी, नान या चावलों के साथ खा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। आधा किलो कीमा है मेरे पास। इसमें ऐड करूँगी एक चाय की चम्मच सुरख मिर्च, चाय की चम्मच धड़ा मिर्च, एक चाय की चम्मच नमक, दो खाने के चम्मच कुटी हुई लहसुन, एक फुल अंडा और इसमें जाएगा एक स्लाइस ब्रेड का। और इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसल मसल के बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। 3 से 4 मिनट मसल मसल कर बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि कोफ्ता खुले नहीं। जी, कीमा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल लगाना है हाथों को। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। इसकी मदद से अब मैं एक ही साइज़ के बना लूँगी सारे कोफ्ते। देखें इस तरीके से इसको गोल गोल शेप में बना लिए। बाकी सारे भी इसी तरीके से बन गए। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने और मीडियम फ्लेम रहेगा। इसमें अब मैं इस तरीके से सारे जो कोफ्ते हैं वो फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने कोफ्तों को पलट दिया है। इसी तरीके से 2-2 मिनट के बाद पलट पलट के इनको अच्छे तरीके से हमने कुक कर लेना है। देखें जी, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब कोफ्ता ग्रेवी बनेगी। इसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। ऑयल में ऐड की थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा तेज़पात, 4-5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत। इन खड़े मसालों को 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करूँगी। दो मीडियम प्याज का पेस्ट बना लिया है, ऐड किया। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से कुक करना है। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लहसुन ऐड की। 2-3 मिनट के लिए दोबारा कुक करना है ताकि लहसुन अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया है, ऐड किया। सुरख मिर्च 2.5 चाय के चम्मच ऐड की है, 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय के चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चाय के चम्मच गर्म मसाला और 1 चाय की चम्मच ऐड की है काली मिर्च। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, अच्छा सा मसाला रेडी करूँगी। 1 कप मैंने दही ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने ऐड किया है होममेड कोरमा मसाला। होममेड कोरमा मसाला की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करके बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला रेडी करना है। जी, मसाला रेडी है। अब इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। 2-3 मिनट के लिए इन कोफ्तों को हाई फ्लेम पे मसाले में कुक करूँगी। 1 कप मैंने पानी ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फ्लेम हाई रहेगा ग्रेवी में जोश आने तक। जी, इस स्टेज पे कवर करके 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करना है। देखें जी, मज़ेदार कोफ्ता ग्रेवी रेडी है। अब मैं इसको गार्निश करूँगी सब्ज़ धनिए से और सब्ज़ मिर्च से। इस रेसिपी से कोफ्ते भी आपके परफेक्ट बनेंगे और ग्रेवी भी बेहद लजीज बनेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।